अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने बनाई है दाल चना, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम हलवा पूड़ी के साथ दाल बनाते हैं, दाल चना वो भी इसी तरीके से बनती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हलवा पूड़ी के साथ भी बना के दिखाऊंगी। और इसको मैंने ज़्यादा चीज़ों से नहीं बनाया, बस घर की चीज़ें जो हैं इसी से मैंने तैयार किया है। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, उसको मैंने इस तरीके से ब्राउन कर लिया है। और मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया। और हरी मिर्ची मैंने इस तरीके से लंबी लंबी काट ली। और सारे मसाला टमाटर और हरी मिर्ची भी इसके अंदर डाल दिए मैंने। इसको मैं थोड़ा सा करूँगी फ्राई, हम तड़का अच्छी तरह से इसका भुनेंगे। और 1 चम्मच लहसुन पेस्ट की मैंने इसमें डाल दी है। मसाला जो हमारा तड़का होता है ना, इसको हम अच्छे तरीके से भुना करें, इससे हमारा जो सालन है ना असल टेस्ट इससे आता है। यही हम अच्छा नहीं फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से नहीं भुनेंगे तो हमारा टेस्ट अच्छा नहीं आएगा सालन का। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के रखा था ताकि टमाटर गल जाएं। टमाटर गल चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी पिसे हुए मसाले। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर के लिए है, 1 चम्मच आधी चम्मच सॉरी हल्दी पाउडर की, 1 चम्मच नमक की और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर की। सारे मसाले पिसे हुए अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मिर्चियाँ हम अच्छी तरह से भुनेंगे, इन मसालों को अच्छी तरह से हम करेंगे फ्राई। दाल मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में डिप करके रख दी थी। ये देखो मैं तोड़ती हूँ तो इस तरह से टूट रही है दाल, तकरीबन आधी गाल गल चुकी है। अगर आपने इस तरह से भिगो के नहीं रखनी तो आप इसको बॉयल कर लें, इतना ज़्यादा बॉयल नहीं करें, बस हल्का सा बॉयल करें। अब मैं डाल दूँगी इस मसाले में दाल, इसको थोड़ा सा मिक्स करके मैंने इसके अंदर इतना पानी डाला है कि ये डिप हो जाए पानी में। फिर हम इसको थोड़ा पकाएंगे। ये देखना पानी मैंने इतना डाला है कि जिससे अच्छी तरह से डिप हो जाए। बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल बनती है, मज़ेदार चने की दाल है। इसमें ज़्यादा मसाले भी मैं आपको पता है रेकमेंड नहीं करती हूँ, ज़्यादा चीज़ें भी डाली नहीं, घर की चीज़ों से हमारी मज़ेदार दाल तैयार हो जाएगी। इसको थोड़ी देर के लिए ढक के लगा कर रखा है और इसको मैं बार बार चमचा थोड़ा चला कर देख रही थी कहीं दाल मेरी ज़्यादा ना गल जाए। अगर गल जाती है ना तो उसकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। खाने में तो वो टेस्टी होती है बट देखने में वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। देखो कितनी मज़ेदार खिली खिली सी दाल बन गई है हमारी। इसको हम उस तरीके से रखेंगे जितना आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं, थोड़ा पानी पानी वाली रखना चाहते हैं तो उस तरीके से रख लें। मुझे इस तरीके से ही पसंद थी, मैंने इस तरीके से रख ली है। अब मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।